ये फरमाइएगा कि ये सारा जो एपिसोड चल रहा है और आप लोगों की भरपूर कोशिश है कि किसी तरीके से ये जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं इसे रुकवाया जाए, लेकिन यूं लग रहा है कि हुकूमत के लिए बड़ा ही आसान हो गया है अपनी नंबर गेम को पूरा करना। आप लोगों ने क्या तैयारी की हुई है? देखिए, हमारी तैयारी से ज्यादा देखें इस मुल्क में हो क्या रहा है। आईन नाम की चीज है, आईनी तरमीम की बात हो रही है, किस तरीके से करने की जा रही है। आज आपने डॉक्टर जैका की वीडियो देखी होगी, उससे पहले जो हालात है, एक एक एमएनए सेनेटर का अहवाल उठा के देख लें। अगर इस तरह से इस मुल्क में आईन साजी होनी है तो हम किस तरह के आईन की बात करें। हम तो 1973 के आईन को खुद बुलडोज कर रहे हैं, फिर इस एक अदलिया पे जो है ना रियासती हमला होने जा रहा है, ठीक है, और उसके लिए आप समझते हैं ये आवाम खामोश बैठी रहेगी? ये कि आवाम के इंटरेस्ट में हो रही है लेजिस्लेशन, मतलब मकसद क्या है? मकसद क्या है कि अपनी चोरी को महफूज करना। उस चोरी को महफूज करने में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम तमाम चीजों को बाल ताक करके हम इतना बड़ा अदलिया में हमला करने जा रहे हैं जिसके बाद जो है ना शायद इस मुल्क में अदलिया की वापसी मुश्किल हो जाए। अच्छा, वैसे मेरे लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि आप जो बात कर रहे हैं कि अदलिया पर हमला हो रहा है वो सही है या नून लीग वाले जो अदलिया पर हमले की बात करते हैं वो सही है, मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगेन आपसे सवाल करके फिर मैं कादर मंदोखल साहब की तरफ जाती हूँ। मुझे ये बताइएगा उमर नियाज़ी साहब कि आप लोग रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, रोकने सवाल वही खड़ा है। हमने तो देखें वोट हमारा तो चाहिए नहीं ना, वोट तो इन्होंने पूरे करने हैं। 224 का नंबर नेशनल असेंबली में इन्होंने पूरा करना है, 64 वोट इन्हें सेनेट में चाहिए। नहीं, वो तो क्लियर है। बिलाल अज़हर कियानी साहब ने बड़े आराम से पूरा फॉर्मूला बता दिया, इतने वोट यहाँ से आएंगे, इतने यहाँ से, और ये हो जाएगा, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है। उसमें नहीं होते जब तक आप लोगों को धौंस धांधली से पैसे से छांगा मांगा की सियासत नहीं करेंगे तो नहीं बुरा होगा, और किस तरह से बुरा होगा। तो बैरिस्टर साहब मुझे बताएं कि आप लोगों को कोई राबता, क्योंकि बिलाल अज़हर कियानी साहब ने कहा है कोई ऑफर शॉफर नहीं गई हमारी तरफ से, हम कोई हरास नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आपने सारों को लिए मुख्तलिफ चैनल पे एमएनए आते रहे, शफकत अवान का बयान देखा, फिर जो है ना दूसरे ख्वाजा शिराज वगैरह सारों की स्टेटमेंट मौजूद है, आप खुद समझदार है, उनको कोरिलेट कर सकते हैं, डॉट को कनेक्ट कर सकते हैं। ये ढकी छुपी तो हो ही नहीं रही ना, मुल्क के साथ एक साजिश हो रही है, इस साजिश में आज खामोश है। देखिए, भुगतना इन्होंने ही है। देखिए, 12 अक्टूबर को ये खामोश रहे तो इनकी खामोशी जस्टिफाइड है, क्योंकि इन्होंने सोच लिया है कि इस मुल्क में अमरियत ही रहे, तो ये इनका फैसला है। पर हम तो उस फैसले के साथ नहीं खड़े, हम तो आखिरी वक्त तक आवाज उठाएंगे कि जमहूरी मुल्क है, जमहूरी इख्तियार पे फैसले होने चाहिए। और ठीक है, ये एक छोटा सा और सवाल ले लें, फिर मैं कादर मंदोखल साहब से क्वेश्चन करती हूँ। व्हाट हैपेंड विद मौलाना फजल रहमान साहब? क्योंकि कल भी अली मोहम्मद खान साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं, फिलहाल तक तो वो स्टांस लिए हुए हैं, और लग भी ऐसा रहा था कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कायल करना। आप लोगों का लॉस नहीं हुआ ये? ठीक, देखिए ये तो अभी चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा। देखिए, मौलाना साहब की अपनी जमात है, देखिए उन्होंने अपने पॉलिटिकल सिनेरियो को सामने रख के फैसले करने, पीटीआई ने अपने लिहाज से फैसले करने। हमारा आज भी इस चीज पे है कि 8 फरवरी का रिग्ड इलेक्शन था, इस असेंबली को जिसको मौलाना साहब खुद कह चुके हैं कि ये जाली असेंबली है, इसके पास कोई मैंडेट ही नहीं है। आईन साजी तो बहुत दूर की बात है, इसके पास तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। इसके जरिए आप आईन साजी, ऐसी आईन साजी करने जा रहे हैं कि जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने जा रही है। ठीक ठीक, मैं कादर मंदोखल साहब, बहुत सारे इनिशियली इस चीजों पे इख्तलाफ थे मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, जाहिर है कि उम्र की हद और ये तायुन पर था कॉन्ट्रडिक्शन थी इस चीज़ पे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद ये कहा कि हम उम्र के ऊपर शायद ना बात करें, लेकिन अपॉइंटमेंट के ड्यूरेशन पर बात की जा सकती है। फिर आईनी अदालत के ऊपर बात थी। एक और चीज़ है मिलिट्री कोड, क्योंकि जाहिर है कि मुसविदा आएगा, शेयर होगा, तो उसके बाद बात की जाएगी, लेकिन ये कयास है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर भी बातचीत की गई है मुसविदे पर, उस पर भी इत्तेफाक कोई हुआ है नहीं हुआ है, या ये ऐड है या नहीं है? अगर आपको नहीं पता है मफरूजे पे आप सवाल उठा रही हो तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं सर, जो मफरूजे जो मुसविदे गर्दिश कर रहे हैं, नहीं नहीं सर, ये देखे ना, गर्दिश बर्दिश को छोड़िए, और छोड़िए गर्दिश को, जो मसौदा खुद आप लोग चीखते हो पीटीआई वाले, मसौदा शेयर नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ पूरा मसौदा टीवी पे आप लोग सुना देते हो। और भाई जब आप एक तरफ रहो ना, या तो कह रहे मसौदा है या तो कह रहे नहीं है,
एक तरफ कहते हैं मसौदा नहीं है, आवाम को नहीं दिखा, दूसरे तरफ पूरा पूरा एक एक शिट जो मुझे और क्यानी साहब को नहीं पता वो आप लोगों को पता है, फिर आप उनसे उनके ऊपर आप जवाब ले रहे हो। दूसरी बात उमेर न्याजी साहब, ये जरा ये बता दिए, ये आइन रीराइट की बात की, आइन रीराइट तो आपके उस 8 जजेस ने किया है, आपकी आइन रीराइट आर्टिकल 51 सब क्लास 6 सी तो आपकी 8 जजेस ने किया है, जिसने आपके हक में फैसला दिया कि 80 PTI मेरा और क्यानी साहब की जमीन का झगड़ा चल रहा है और जमीन दे दी आपको। ये फैसले पाकिस्तान में नहीं होते, और सिर्फ अपनी जो जूनियर जज है यानी बेंच के जो जज है उनके इख्तलाफी नोट को इतना उसको तजीक का निशाना बनाया, वो कहते हैं आइन से तजावज कर दिए। क्या आपने आइन से तजावज नहीं किए? और फिर आपने ये कहा कि 80 PTI के लोगों को आपने धमकी दी है, वो PTI कहां से आ गई? दूसरी बात यह कि वो अपने चीफ जस्टिस के अहकाम को नहीं मान रहे, वो सदर पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस को नहीं मान रहे जो वजीर आजम के एडवाइस में होता है, और कहते रहे मेरे गलत फैसला जो ना वो आप मान लो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, भी सही बात कर रहे हैं आपके मुसविदा, बिल्कुल मैं चाहूंगी बैरिस्टर साहब इसका जवाब दें, मिलाल अज़र कहने सभी वेट कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, मुसविदा मंजर यहाँ पर नहीं आया, वो तो हमें पहले से ही पता है कि जब आप लोगों ने पहले गवर्नमेंट ने कोशिश की तो उस दिन उनको भी नहीं पता था कि मुसविदा कहाँ से आ रहा है, कौन सा मुसविदा है, लेकिन कयास होता है, कयास किया जाता है, यही वहीं से ही चीजें निकलती है। हमने तो सिर्फ पूछा है आपसे कि क्या इस पे बात हुई है या नहीं हुई है, जवाब नहीं होते हमारे मुल्क में, बहुत सारी चीजें कयास पे चल रही है। बिलाल अज़र क्यानी साहब, मैं कहता हूं आपका चैनल, मैं तो कहता हूं आपका चैनल क्यानी साहब खरीद रहा है, आप जवाब दे दो, आप क्या जवाब देंगे? बिलाल अज़र क्यानी साहब, बिलाल अज़र क्यानी साहब, मुझे ये बताएं कि लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस पॉइंट कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो यूं लग रहा है कि हुकूमत के मरहूने मिन्नत हो गया है, क्योंकि जब भी वो एहतजाज या कोई प्रोटेस्ट की तैयारी करते हैं या कोई कोशिश करते हैं तो यूं लगता है कि हुकूमत हर चीज एक्सरसाइज करती है। अगर ये कल हम कोई ऐसा चेंज देखते हैं और गवर्नमेंट इसमें गो थ्रू कर लेती है और पास हो जाती है इस चैलेंज को निमटने के लिए, तो डेफिनेटली PTI बाहर निकलेगी। क्या लाए अमल? बिलाल अज़र क्यानी साहब, बिलाल अज़र क्यानी साहब, चले कुछ टेक्निकल इशू है, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्यानी साहब से। बैरिस्टर साहब बताइएगा, एक तो कादर मंदो खेल साहब ने आपका जवाब दिया है, उस पर आई एम श्योर कि आप कुछ कहना चाह रहे होंगे, और दूसरा आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि आप जब भी बाहर निकलते फेल हो जाते हैं, चाहे वो भूख हड़ताल हो, प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो। अच्छा, जैसा कादिर भाई ने बात की, देखें कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिंसिपल इनग्रेंड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। देखिए पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, इनकी जितनी इन्होंने जनरल इलेक्शन में सीटें मिली उनके मुताबिक मुतनासिब नुमाइंदगी ना मिली हो तो इनका एतराज बनता है। इन सीटों पे इनका तो कहीं से क्लेम ही नहीं, ठीक है, और फिर ओवर एंड अबव किया जाए, यही सवाल जस्टिस आयशा ने ओपन कोर्ट में इनसे उठाया, तभी आप लोग किधर से आ गए। तो बात है कि अगर हम इतने ही इन सीटों के पीछे जी हम ये समझ रहे हैं कि ये जो है ना ये बाउंटी है जो बटनी है, तो इस तरह तो नहीं होता। देखिए आइन के मुताबिक चीजों के फैसले होने, फैसले आपको नहीं पसंद होंगे, बहुत सारे फैसले हमें भी पसंद नहीं होंगे, फैसलों पे हम जजेस को भी क्रिटिसाइज करते हैं, मगर उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अदलिया की आजादी पे हमला करते हैं। हम बंदे तब्दील करते हैं, बंदे बेहतर चुनाव किया जाता है, बंदे बेहतर लगाए जाते हैं, आप बाहर के वो फेसेस लाएं जो आप समझते हैं कि सही मुनासिब फैसले कर सकेंगे, मगर मसला ये हम इधर ये नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हमें ताबेदार चाहिए, हमें वो लोग चाहिए कि जो हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाए। देखिए अदलिया का ये मैंडेट नहीं है, अदलिया ने अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखनी है, अगर उसकी इंडिपेंडेंस ही नहीं रहेगी। सर ये इंडिपेंडेंस की तशरीह क्या है, अदलिया की इंडिपेंडेंस की तशरीह जरा बताइएगा। देखिए अदलिया महकूम महकमा नहीं है एग्जेक्टिव का, एक एग्जेक्टिव उठाए, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज उसे पसंद नहीं है उसे उठा के पिशावर या क्वेटा भेज दे, ये अदलिया का काम नहीं है, ये अदलिया का डोमेन में वो इंटरफेयर करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो ये वाली जो है ना सारी साजिश आ रही है। बुनियादी तौर पर मसला अदलिया से क्या है कि अदलिया खुद से असर्ट कर रही है, 6 जजेस का लेटर लोगों को नागवार घुसता है, उसमें जो उन्होंने डिटेल्स लिखी है, जिस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स एम्प्लॉय किए गए हैं, जिस तरह की सर्वेलेंस उनकी की गई है, ठीक है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का लेटर की बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।